यहाँ पर हमको ये पता करना है, इसे कंडीशनल फॉर्मेटिंग ही लगाना है, यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग ही लगाना है। तो यहाँ पे ऊपर क्या क्या दिख रहा है, सबसे पहले दिख रहा है नेम ऑफ एम्प्लॉई, यहाँ पे दिख रहा है डेट ऑफ सेल। इस पर्टिकुलर डेट पर इन्होंने कुछ अमाउंट का प्रोडक्ट सेल किया है, तो इन्होंने कितने का सेल किया, 10,000 का, यहाँ इन्होंने 30,000 का, ये 32,000 का, ये 1,00,000 का, ये 3,200 का, ये 4,000 का। तो हमें इसमें भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज करना है और खाली इस पर्टिकुलर पार्ट पे यूज करना। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम बनाएंगे डाटा बार्स। क्या बनाएंगे, डाटा बार्स। ये कहाँ से मिलेगा, तो यहाँ पे जाएंगे, ये कंडीशन है, ये कलर स्केल है और ये डाटा बार है, ये दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये डाटा बार ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब सब कुछ ऑटोमेटिक है इसमें, ठीक है। अगर हम यहाँ से ओके कर देते हैं तो यहाँ पे देखेंगे कि ये डाटा बार आ गया है। अब जिनका 10,000 का सेल है उनका थोड़ा यहाँ तक जो है ये डार्क में दिख रहा है, जिनका 30,000 का है उनका थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है, जिनका 1,00,000 का है उनका सबसे ज़्यादा दिख रहा है। अब इनका 3,200 का है तो इनका बहुत कम है, 4,000 वाला उससे थोड़ा सा ज़्यादा है, दिख रहा है कि नहीं, ठीक है। आप यहाँ से कलर भी बदल सकते हैं, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से जा करके मोर ऑप्शन पे जाएंगे ना, तो यहाँ कलर आ रहा है ब्लू, इसको चेंज कर देंगे, इसको बनाएंगे रेड, और ये जो रेड है इसको बनाएंगे ग्रीन, और तब यहाँ से ओके करेंगे, और यहाँ से ओके करेंगे तो यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से दिखने लगेगा, ठीक है। केवल बार्स ही दिखेंगे, बाकी चीज़ें हट गई है, क्योंकि हमने यहाँ पे टिक कर दिया था ना, यहाँ पे गए थे हम, तो यहाँ पे डाटा बार्स पे हमें जाना था, जैसे गलती हो गया, यहाँ पे जाके पहले तो इसको सेलेक्ट करो, फिर यहाँ से जाओ और ये डाटा बार्स पे जाओ। जैसे डाटा बार्स पे जाएंगे तो यहाँ पर मोर ऑप्शन पे जब जाएंगे ना, तो इस पर हमने टिक कर दिया था डिस्प्ले बार ओनली। अगर बार ओनली पर टिक नहीं करेंगे तो दोनों चीज़ें दिखाई देंगी, यानी कि अमाउंट भी दिखेगा, दिख रहा है ना। तो ये इस तरीके से कर सकते हैं, समझ में आई बात, इसको भी करके देख लेना, काफ़ी यूजफुल है ये भी, ठीक है, समझ में आई बात। अब जैसे यहाँ पे अमाउंट हम चेंज करते हैं, मान लो यहाँ पे कर दिया लाइक 16,000, तो 16,000 करेंगे ना, पहले तो इसको हटा देते हैं 10,000 को, अब 16,000 करेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक ये बढ़ जाएगा, ये बढ़ जाएगा, बढ़ गया ना थोड़ा। अब देखो ये 30,000 है ना, तो 30,000 कहाँ तक दिख रहा है, ये दिख रहा होगा हल्का हल्का, आपको पता चलना होगा कि 30,000 कहाँ तक दिख रहा है। लेकिन यहाँ पर अगर मैं 50,000 कर देता हूँ, इसको हटा करके, ये हटा दिया हमने, 50,000 कर देता हूँ, तो ये हो गया 50,000। अब देखो 1,00,000 के बाद जो सबसे बड़ा जो कवर करेगा एरिया वो 50,000 वाला करेगा, देखो सबसे बड़ा हो गया, ठीक है। अब ये 3,200 दिख रहा है ना, अगर इसको मैं 32,000 बना देता हूँ तो यहाँ पे देखो कितना एरिया कवर करेगा, ये हो गया 32,000, ठीक है, देखो ज़्यादा एरिया कवर कर रहा है ना, तो ये इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। अब जब कलर चेंज करना हो, यहाँ से जाके डाटा बार्स पे जाएंगे, ये डाटा बार दिख रहा है, और यहाँ से यस करेंगे, और यहाँ पे मोर ऑप्शन पे जाएंगे। अब यहाँ से जो भी कलर ठीक लगे चलते हैं, और यहाँ पे देखो ऊपर रेड है, इसको भी क्या करते हैं ग्रीन कर देते हैं, हम नीचे वाले को क्या करते हैं थोड़ा सा येलो इस बना देते हैं, तो ये हो गया। अब देखो ये, अब ये ग्रीन में आएगा, ग्रीन और येलो में आ रहा है थोड़ा थोड़ा, देखो थोड़ा थोड़ा ये येलो हो रहा है ना, जैसे जैसे अमाउंट कम होता जाएगा ये येलो होता जाएगा, आ रहा है कि नहीं, ठीक है, समझ में आई बात।